चलो चलते हैं, 5 बज गए, टाइम हो गया शाम वाले का। सर आज तो कोई मुर्गा भी नहीं फंसा, आज का तो दिन ही खराब है हाँ सही कहा यार, आज एक बोतल का भी जुगाड़ नहीं हुआ। साहब। वो देखो एक बाइक वाला आ रहा है, रोको उसको। रोको 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 रोको। जी साहब, कागज दिखाओ। ये लो साहब, सब चीज पूरी है मेरी। साहब इसकी तो सब चीज पूरी है। सारा रोड सुनसान हो चुका है, इससे कैसे भी करके 100-200 UC निकालो, आज का जुगाड़ हो जाएगा अपना। देखो तुम्हारी सब चीज पूरी है, पर तुम्हारी बाइक का रंग सही नहीं है, चालान कटेगा। क्या इसका क्या मतलब हुआ सर? ये कहाँ लिखा है कि बाइक का रंग ऐसा होना चाहिए? जुबान लड़ाता है, 200 UC निकाल, नहीं तो अभी 20,000 UC का चालान काट दूंगा। नहीं नहीं साहब, ये लो 200 UC ले लो, 2,000 UC की तो ये बाइक भी नहीं है। चल निकल। साहब आज का तो जुगाड़ हो गया, चलिए चलते हैं। हाँ चलो। हवलदार लगता है ज्यादा नशा हो गया आज तुमको, चलो घर अब। नहीं नहीं साहब, हल्का हल्का है बस। क्या हुआ भाई, मूड ऑफ आज तेरा? यार आज पुलिस वालों ने 200 UC का चालान काट दिया बिना वजह, मेरे सारे कागज भी पूरे थे भाई। कोई नहीं भाई, जाने तो 200 में क्या मैल बना लेंगे वो। उससे बदला तो लेके रहूंगा मैं, तू मेरे साथ चल। तू करने क्या वाला है अब? उसके घर जाके हम उसके कपड़े चुरा लेते हैं, अगर उसके पास उसकी वर्दी नहीं होगी तो चालान कैसे काटेगा। चल अब। यही घर है उसका जिसने चालान काटा था मेरा। सो रहा है घोड़े बेचकर, कपड़े उठाओ और निकलो। यार पर तू अब इन कपड़ों का क्या करेगा? कल वो उठेगा तो उसे पता चल जाएगा, फिर वो पुलिस केस कर देगा और जेल में गेर देंगे हम दोनों को। तू टेंशन मत ले, इन कपड़ों को हम नदी में फेंक आते हैं। हाँ फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चल अब हम फ्री और बदला भी पूरा हो गया, ना रहे कपड़े और ना काटेगा अब ये चालान। ड्रेस तो वो नहीं ले लेगा डिपार्टमेंट से? हाँ पता है, लेकिन 10-15 दिन तक तो लोग बचे रहेंगे ना। तू चल अब निकल, कहीं नहीं तो कोई देख लेगा। आज तो बड़ी मस्त नींद आई यार, जो नहाकर तैयार हो जाता हूँ। मेरी ड्रेस कहाँ गई? ये किसकी है? घर में चोरी हुई है इसका मतलब? पर सारा सामान तो यही लग रहा है, सिर्फ ड्रेस ले गया चोर। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी होगी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जोन आए या ना आए बैंडेड लगानी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो किसी के कपड़े लगते हैं। ओ भाई ये तो पुलिस की ड्रेस है, इस पर तो नाम भी लिखा है, ऑफिसर चुलबुल पोचिंकी वाले। अब इस ड्रेस का क्या करूं मैं?
ओए यहाँ बैठा क्या कर रहा है? यार मुझको ये ड्रेस मिली है पुलिस के पानी में, पर समझ नहीं आ रहा इसका करूं क्या। इनको पहन ले और चल रोड पे चल के लोगों के मजे लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है भाई, तू ही पहन ले फिर चलते हैं। सर मेरी ड्रेस चोरी हो गई है। क्या? जी सर, कल रात ड्रेस मेरे बेडरूम में ही थी, पर सुबह में उठा तो ड्रेस वहाँ नहीं थी, वहाँ किसी और के कपड़े पड़े थे और मेरी ड्रेस गायब थी घर से। सिर्फ ड्रेस चोरी हुई है और कुछ भी चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ड्रेस से कुछ करने की फिराक में है। तुमको जल्दी ही नई ड्रेस मिल जाएगी, तब तक पूरे रेंगल की सड़कों पे पेट्रोलिंग करो, कहीं कोई दिख जाए तो मुझको रिपोर्ट करना फिर। जी सर। चल यहीं खड़े हो जाते हैं, कोई आएगा तो उसका चलान काटेंगे। हाँ ठीक है। वो देख ब्रो, एक बाइक आ रही है। अबे ब्रो नहीं, साहब बोल साहब, सही से एक्टिंग कर। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा उड़ मत अब। रुको रुको, हेलमेट किधर है तेरा? चलान कटेगा 2000 UC का। नहीं नहीं साहब, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, बस खेत थक गया था, जाने दो प्लीज। अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहा? पबजी की कसम। खाने का क्या है तेरे पास? हेल्थ किट पड़ी है, ये ले लो साहब, मुझे जाने दो प्लीज। हाँ चल निकल, जल्दी जा। अबे सिर्फ हेल्थ किट लेके छोड़ दिया, कुछ यूसी भी ले लेता, 100-200 पार्टी करते फिर आराम से। अपने को बस मजे लेने हैं। अरे वो देख गाड़ी आ रही है, रोको उसको। रोको रोको रोको। क्या हुआ सर? चलान कटेगा तेरा। क्यों सर, मैंने क्या किया? मेरे तो कागज भी पूरे हैं। चलान तो कटेगा ही कटेगा। पर ये तो बताओ क्यों कटेगा? तूने हेलमेट नहीं पहना। तुमको पुलिस वाला किसने बना दिया? एक ड्रेस ने। क्या? कुछ नहीं, तू 200 UC निकाल। कार में हेलमेट कौन लगाता है? ये नया रूल आया है, अब से कार में भी हेलमेट लगाना है। तू 200 UC निकाल, नहीं तो ज्यादा का चलान कटेगा। ये लो यूसी और मुझको जाने दो। ले 200 बन गए, अब चलते हैं यहाँ से, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। थोड़ी देर में चलेंगे, बस एक लास्ट चलान काट ले। तू मरवाएगा मुझे? वहाँ शायद कोई पुलिस डिपार्टमेंट से ही चलान काट रहा है, वहाँ जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ पता ही चल जाए। कौन हो तुम और पुलिस की गाड़ी कैसे है तुम्हारे पास? मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरी ड्रेस चोरी हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? अबे साले ऑफिसर चुलबुल पोचिंकी वाले, ये तो मेरी ड्रेस है, तुमको कहाँ से मिली ये? साहब माफ कर दो, ये उसको नहाते वक्त नदी में मिली थी, फिर हमने बस मजे लेने के लिए पहन ली थी। अच्छा तुमने ये ड्रेस पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी फिर? ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आ। चल ड्रेस निकाल। ये लो सर, जाने दो मुझे। साहब जाने दो ना प्लीज, आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ऐसे कैसे जाने दूं, पबजी की धारा के तहत तुमने जुर्म किया है, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को पागल बनाया और उनसे धोखाधड़ी की है, कि तुमको ये सजा मिलती है कि तुम्हें शेल्टर के अंधेरी गुफाओं में बंद रखा जाएगा, ये सड़ते रहना ब्लू जोन आने तक। चल बैठ गाड़ी में। साहब कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर लो ना। कितने हैं? क्या यूसी? 1100 पड़े हैं। 1100 UC का मुझको कन्यादान डालना है? 5000 UC दे और भाग जाए यहाँ से। अच्छा तो ठीक है साहब, मेरे पास अभी बस 4000 ही हैं, 1000 कल नाके पे आकर दे जाऊंगा, पबजी प्रॉमिस। चल ठीक है,
तेरी पबजी आईडी बोल, नहीं देना है तो तेरे घर से उठा के ले जाऊंगा। चल भाग जा यहाँ से।